हेलो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं मोटो ब्लॉगिंग में या फिर ब्लॉगिंग करने में माइक की समस्या को लेके? मैं आपके सामने एक ऐसा आइडिया लेके आया हूँ जिससे आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप परेशान हैं DJI के किसी भी एक्शन कैमरे के माइक की प्रॉब्लम को लेके, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। मैं आज आपको 100% प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। अगर आप चाहते हैं मोटो ब्लॉगिंग करना या फिर ब्लॉगिंग करना या फिर किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करना DJI के एक्शन कैमरे से या फिर किसी भी एक्शन कैमरे से जिसमें सी टाइप माइक का सपोर्ट होता है, दोस्तों यही है वो माइक। आइए दोस्तों, मैं आपको ये यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने एक्शन कैम को बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, ये है DJI का ओस्मो एक्शन 3। सबसे पहले हम इसमें अपने ईयरफोन को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ सी टाइप का USB ऑप्शन है, इसमें हम अपने ईयरफोन को, सी टाइप का ईयरफोन है, इसको कनेक्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारा आसानी से इसमें फिट हो गया, कोई ढीला भी नहीं है, एकदम परफेक्ट इसमें सेट हो गया। अब हम कैमरे को ऑन कर लेंगे। आप देख सकते हैं सी टाइप USB माइक जो है हमने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे माइक ब्लिंक हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें कुछ बोल के दिखाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं मैं जब बोल रहा हूँ माइक ब्लिंक हो रहा है, मतलब माइक सपोर्ट कर रहा है। और मैं जैसे ही निकालूंगा, अनप्लग करूंगा, माइक गायब हो गया। दोस्तों अगर आपको DJI एक्शन कैम में इस माइक को यूज करना है या किसी भी एक्शन कैम में सी टाइप माइक यूज करना है तो आप इसको बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। ये आपको कैसे मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। उससे पहले आइए इसकी आपको क्वालिटी दिखा देते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार इसको हेलमेट पे माउंट करते हैं, उसके बाद एक मोटो ब्लॉग छोटा सा शूट करके आपको इस माइक की क्वालिटी दिखाते हैं कि स्पीड में जब नॉइस आता है तो इस माइक की क्वालिटी कितनी बेटर आती है और कितनी खराब आती है। अभी मैं कैमरे को माउंट कर दिया हूँ हेलमेट के ऊपर और अपना ईयरफोन इसमें सेट कर लेते हैं। दोस्तों अभी मैं ईयरफोन को यहाँ पे सेट कर दूंगा। आप इस तरह से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं ऐसे भी डायरेक्ट रिकॉर्ड किया हूँ। और अगर नॉइस थोड़ा सा हटाना है तो एक ऐसे फॉर्म टाइप का ले लिया हूँ, आपको इसको हेलमेट के अंदर ऐसे छुपा देंगे और उसके बाद यहाँ पे छोड़ सकते हैं ताकि नॉइस थोड़ा कम आए। और इसको हम डायरेक्ट अपने कैमरे में लगा देंगे। चलते हैं एक छोटी सी राइड पे और आपको दिखाते हैं इसकी क्वालिटी। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो वॉइस क्वालिटी आ रही है ये वॉइस आ रही है इस ईयरफोन से, और इसे मैंने साइड में लगा रखा है। अभी डायरेक्ट साइड में लगाया हूँ अपने हेलमेट के और उसमें ईयरफोन को छुपा दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है। ओके दोस्तों, अभी देखिए स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत तेज हवा लग रहा है, सामने की रिक्शा आ रहा है। दोस्तों अभी मैं सुधा काल में हूँ, यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये खाली रोड, इसीलिए मैं इधर आ रहा था कि ताकि मैं अपने माइक को अच्छे से टेस्ट कर पाऊँ पूरी हाई स्पीड पर। फिर सामने कुछ ढेर सारी गाइस हैं और मुझे करना पड़ेगा अपनी स्पीड को डाउन। ये तो दौड़ रही है, रेस लगा रही है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस माइक की क्वालिटी? मात्र 400 से लेकर 450 के बीच में ये माइक आपको मिल जाता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये माइक आपको दो तरीके से मिल सकता है, या तो आप मार्केट में जाके लोकल ईयरफोन्स जो 400-500 के रेंज में मिलते हैं उनको चेक करिए जो सपोर्ट कर जाए, और या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको आसानी से ये माइक मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए या एक्शन कैंप से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन वीडियो में लेके इस चैनल पे आ जाऊंगा। साथ ही साथ लगातार मेरा मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो आने वाला है, आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।